लंच तैयार है, बैठिए खाकर जाइएगा। जी शुक्रिया। अम्मी राह देख रही होगी। ये लो कचहरी की रसीद, अब नीलामी नहीं होगी। आपने मेरी आबरू बचा ली। लेकिन अगर नरेंद्र ने ना कर दी तो अगले दिन ये मकान उनके नाम हो जाएगा। देखो मैडम, फॉर अ फ्लिक ऑफ अ सेकंड है ना, मेरा ध्यान भटक गया था। नहीं तो मुझे देख रहे थे ना। वैसे क्या आर्मी में जाने से नींद में चलना खत्म हो जाएगा? बस सारी दुनिया का काम याद रहता है, एक मेरा ही काम याद नहीं आता। ओहो, तुम्हारी मुंबई जाने की सीट रिजर्व कराई कि नहीं मैंने? हाँ भाई कराई तो है, वही तो काम था। शांता, तुमने इतना लंबा सफर अकेले तो कभी किया नहीं। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, वहां तक छोड़ाऊंगा तुम्हें। नहीं जी, आपके जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बेटी मुझे खुद लेने आ रही है एयरपोर्ट पर। जानते हैं रात को उसका फोन आया था, कह रही थी कि मामा बताओ आप कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, मैं खुद आपको लेने आऊंगी। और मालूम है उसके साथ उसका असिस्टेंट कलेक्टर और उसका सारा स्टाफ होगा। कह रही थी माँ जरा आके देखना अपनी बेटी की शान। सुनो जी, आपको अब मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और आपको भी मेरे पीछे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने नौकरों को बता दिया है और फ्रिज पर पूरी आपकी पसंद की लिस्ट टांग दी है। समय पर आपको आपकी पसंद की चीज मिल जाएगी, आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं भी आपको रोज फोन कर लिया करूंगी। ठीक है, तुम पैकिंग करो। आदाब बजा लाता हूँ जनाब अली। आइए आइए सरदारी साहब, तशरीफ लाइए। अरे भाई गोविंद, चाय का इंतजाम करो, सरदारी साहब आए हैं। बहुत अच्छा किया जी, बहुत ही अच्छा किया, तबीयत बिल्कुल खुश हो गई। हजरत गालिब का वो शेर याद आ गया, इन आबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। क्या बात है, शेर की सूची में पढ़ा जा रहा है। आप जो जा रहे हैं भाभी साहिबा के साथ अनीता बेटी के पास? कौन जा रहा है? हुजूर आप वकील है, बिना सबूत के कहे जा रहे हैं, कहाँ जा रहा हूँ मैं? आप जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंट का आदमी आया था बेंगलोर का टिकट देने के लिए, उसी ने बताया कि भाभी साहिबा के साथ आपने भी उसी फ्लाइट से अपनी टिकट बुक करवाई। हाँ क्यों कराई थी? क्यों, क्या हुआ? ट्रेन जाना तो चाहता था मैं, मैंने सोचा जब शांता अमिता से कहेगी कि उसने मुझे टिकट बुक कराने के लिए कहा है तो शायद अमिता मुझे नहीं बता देते, ये सोचकर मैंने अपना टिकट बुक करा लिया क्योंकि अन वक्त में टिकट मिले ना मिले। लेकिन अमिता ने तो कोई न्योता नहीं दिया। फिर हमने दूसरी चाल चली, हमने शांता से कहा कि चलो हम तुम्हें मुंबई तक छोड़ आते हैं, तो उसने कहा कि कमाल कर रहे हैं, आपको वहाँ तक आने की क्या जरूरत है, आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, वहाँ मुझे अमिता पिकअप कर लेगी। तो बस हम तो यहाँ तरे के तरे रह गए और टिकट हमारे जेब में। क्या कह रहे हैं? जो गुजरी हम पर वही कह रहे हैं। थोड़ा सा काम कीजिएगा, आप जब घर जा रहे होंगे ट्रैवल एजेंट तो रास्ते में आएगा, उसे कहिएगा टिकट कैंसिल कर दो। अरे भाई चाय लाओ, क्या हो रहा है? ये लीजिए साहब, तो ये हाल है हमारा, बेटी सुनकर नहीं बुलाती और बीवी कहने पे साथ नहीं ले जाती। कुछ गलत कहा था क्या मैंने कि बुढ़ापे से पहले हमारा कोई मोल नहीं रहा? हमारी दशा तो दोस्त उस मिट्टी के कसूले की तरह है, इसमें खा पी के लोग उसे फेंक देते हैं फिर कुत्ते मुंह मारते रहते हैं। ऐसा ना कहो दोस्त, ऐसा और क्या कहूँ, लोगों के अल्फाज में इतना कुछ पढ़ने की कोशिश न करो, अक्सर उनका मतलब इतना कुछ नहीं होता जितना हम समझते हैं। तो और क्या समझो?
बस ये समझ लो कि उन लोगों की खुशियां अलग होती हैं और हमारे गम अलग होते हैं. ईस्ट इज ईस्ट एंड द वेस्ट इज वेस्ट एंड द ट्विन शैल नेवर मीट. ये मुल्कों के लिए नहीं, एक घर के दो अफराद के लिए भी बात बिल्कुल सही है. जिस दिन औलाद जन्म लेती है उसी दिन घर में दो अलग अलग राहों की बुनियाद पड़ती है. ये समझ लो कि हमारा रोल एक रॉकेट के इंजन की तरह है. रॉकेट को ऑर्बिट में भेजने के लिए एक एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत पड़ती है और हम बिल्कुल वो बूस्टर इंजन है जो रॉकेट को ऑर्बिट में भेजता है और खुद गिरकर पीछे रहे. बिटिया तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं अकेली आ सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा. लेकिन माँ मैं तुम्हें लेने आ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे मालूम है, मेरी बिटिया तो हनुमान जी की तरह अपनी माँ को हथेली पर बिठा कर ले जा सकती है, पर बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तो इन्हें भी मना कर दिया. किने, पिताजी को? हाँ, टिकट देकर कह रहे थे मैं तुझे छोड़ाऊं. अच्छा किया मना कर दिया. उनसे कुछ मत कहना, जो भी कहना है मुझसे कहना. माँ मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ. मुझे मालूम है बेटा, भगवान ने मुझे धनवंतरी गाय बेटी के रूप में दे दी है. बस अब तो मैं भगवान से चाहती हूँ मेरी बिटिया सदा खुश रहे, सुखी रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. थैंक यू माँ. अच्छा सुनो, बोर्डिंग पास लेने के बाद मुझे फ़ोन कर देना, अपना सीट नंबर बता देना. एयर होस्टेस आकर तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है? मैं एयरपोर्ट पर मिलती हूँ. बाय माँ. अम्मी जान, आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्यों? तू दुल्हन को उसकी बहन के घर क्यों छोड़कर आया? तुझे तो उसे साथ लाना था. अम्मी जान, मैंने वही किया जो आपने मुझे सिखाया कि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया कर. मैं उसे वहाँ छोड़ा आया ताकि वो अपनी बहन के साथ जी भर के बातें कर ले और लखनऊ जाकर ये बुराई ना करे कि मैं हर तरह से बुरा हूँ. तो तुझे बात पहले क्यों नहीं सूझी? गलती हो गई अम्मी, अब तो मैं ठीक कर रहा हूँ ना. लेकिन आप उसे कह दीजिए कि लखनऊ जाकर मेरी बुराई ना करे. तेरे किए पर लीपा पोती तो करूंगी मैं, पर मुझसे कहे कि आगे से ये सब नहीं करेगा. तौबा करता हूँ अम्मी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा. लेकिन अम्मी आप ये सब क्यों कर रही हैं? फज्जो कर लेती. वो बड़े महल गई है सफाई करने. अरे बेगम चलिए भाई, आजकल रास्ते में बहुत भीड़ होती है. जी मैं तैयार हूँ, चलिए. बेगम हमारे एक बात मानी थी. जी फरमाइए. देखिए शबनम को लेने के लिए स्टेशन हम चले जाए, आप मत जाइए. आप क्यों जाएं? और अपनी बेटी को लेने मैं क्यों ना जाऊं? क्योंकि आपके ये बिगड़े हुए तेवर और बिगड़ जाएंगे. आप अपने जज्बात, अपने चेहरे के ये तासुरात छिपा नहीं पाएंगे और ये अच्छा नहीं होगा. क्या अच्छा नहीं होगा? जिसने मेरी बेटी को तंग किया मैं उसे देखकर हंसूं, जिसने मेरी बेटी को रुलाया मैं उसके गले में बाहें डाल दूं? जब से सकीना ने बताया है मेरे तो आग लगी है. सकीना ने कहा है, शबनम ने नहीं. पहले उसे आने दो, उससे सुनो. हाँ अगर वो भी तस्दीक करती है तो दामाद से बाजगश्त करो, उससे पहले नहीं. फिर आप मुझे रोकिएगा नहीं? हर बात पर आप बंदूक क्यों तान लेती हैं बेगम? पहले कहा गवाही दो, फिर कहा रिश्ता करो, हम नहीं मानते थे. उसके बावजूद आपने बेटी का घर बसाया. अब एक ही दामाद उखाड़ रहा है तो दो ईंट उखाड़ने पर आप तुली हुई. अरे बेगम अपनी बेटी को क्यों नहीं कहने और करने देती हैं आप? क्या जो वो करना चाहती है? देखिए पहले आपने शिराज को धमकी दी कि बेटी और दामाद को भेजो, अब वो आ रहे हैं तो आप सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं. जरा आईने में जाकर अपना मुंह देखिए, गुस्से से तमतमा रहा है. याद है डॉक्टर ने क्या ताकीद की थी? अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है. अरे भाई इस उम्र में इस गरीब का साथ क्यों छोड़ना चाहती हैं आप?
देखिए हमने तो हमेशा आपकी गलत बात पर भी लबैक कहा, नहीं? एक बात बताएं बेगम, खीर जब पक जाती है तो नीचे से लगने लगती है, उस वक्त चूल्हे से लकड़ियां निकाली जाती हैं, उसमें और लगाई नहीं जाती, वरना पूरी तरह से जल जाती। अपने दामाद को राम करके रखो, सुधर जाए, हमारी बेटी का काम भी बन जाए। जवानी में अपने बातपन से परचाया, अब अपनी बातों से परचाना भी आ गया। आवाज छोड़िए, कहाँ आया? रात को कभी महसूस भी हुआ कि परचा लिया तो रशीद मियां ने सुबह महसूस किया कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। अच्छा इजाजत दीजिए, रास्ते में रिक्शों का एक घना जंगल पड़ता है कि हातिम ताई अगर अभी चलेगा तब वक्त से पहुंच सकेगा। इजाजत। देखिए शरबत खस या शरबत उनाप पी लीजिए ताकि दामाद जब ड्योढ़ी में दाखिल हों तो उन्हें अपनी सास के चेहरे पर जलाल नहीं जमाल दिखाई दे। वल्लाह इसी को जमाल कहते हैं जो दिल की कली खिला दे, शौहर की भी और दामाद की भी। हम लेकर आते हैं। देखिए ना कैसे चर्चा रही है, शादाब है। इसका मतलब है सकीना ने जो कुछ हमें बताया था। ओ बेगम, आप दूसरों के कहे पर यकीन क्यों करती हैं? अपनी नजर से देखिए ना। देखिए ना मैं कितनी मोटी और कितनी तंदुरुस्त हो गई। चलो मैं आपको नजर न लगा। अच्छा तुम्हारे अब्बू जान और अम्मी जान कैसे हैं? जी वो ठीक है, उन्होंने आपको बहुत बहुत सलाम भेजा है और माफी मांगी है मेरी उन नादानियों के लिए जिनके लिए मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। कैसी बातें करते हो बेटे, हमने बेटी देकर बेटा लिया है और बेटों से हम माफी नहीं मंगवाते। तुम सलामत रहो और हमारी बेटी को खुश रखो, बस यही हमारी दुआ है। चलो अब तुम दोनों ऊपर चलो। अच्छी तरह रही। चलो ऊपर चलो। चली आई हो इसलिए आना पड़ रहा है। तुम्हारी मम्मी से मुलाकात हुई मेरी, तुमने उनकी बात नहीं मानी इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा परस्यू नहीं किया है, वो केस कोर्ट ने खारिज कर दिया। तुम्हें यकीन ना हो तो ये कोर्ट के ऑर्डर की नकल है, देख लो। मुझे नहीं देखना। तो फिर ये देख लो। क्या है ये? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता, लेकिन तुम जो चाहती हो वो मैंने कर दिया। अब तुम्हें खामखा कोर्ट जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मैंने तलाक के पेपर्स रेडी करवा लिए हैं, इन पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अब तुम भी अगर दस्तखत कर दो तो बगैर एक दूसरे पे कीचड़ उछाले तुम्हें डाइवोर्स मिल जाएगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लैट का इंतजाम भी कर दिया। तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा दिया है मैंने वो फ्लैट, तुम्हारे चाचा जी ने भी देखा है, तुम भी जब चाहो देख सकती हो। ये तलाक के कागजात छोड़े जा रहा हूं। लो। अशोक आया था। मुझे लगता है ये सब
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर आइए, आइए। बहुत चालाक आदमी है। क्या मतलब? मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने जो मुकदमा दायर किया है वो उसे कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। नहीं किया। इनके माँ बाप को बदनामी से डराकर और अपने आप एक फ्लैट ऑफर करके उसने अपना मुकदमा खारिज करा लिया और रजामंदी से तलाक के पेपर्स भेज दिए ताकि धन के बदलने की बात ना उठे और दूसरी शादी की सजा से बच जाए। मैं उसे सजा दिलाना चाहती हूँ, आप मुकदमा दायर कीजिए। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। पर कब मजहब बदल कर शादी की ये तारीख सही नहीं होगी? ऑफ कोर्स, परंतु वो अभी तो नहीं चाहिए। नहीं, अभी नहीं चाहिए, बाद में, लेकिन केस की हियरिंग के वक्त चाहिए। ठीक है, आप केस दायर कीजिए, सबूत मैं ला कर दूंगी। वो बाहर मुंशी को दे दीजिए। अरे अम्मी, आप, मैं आप ही के पास आ रही थी, ये लीजिए। ये किसने दिए? मेरी सास ने, पर कहा है अपनी तरफ से देना, मेरा नाम मत लेना। तेरी सास ने? तेरे उस ससुर की बीवी ने जिसने अपने महनोई के मरते ही उसका कफन नोच डाला था? शबनम, तुम उससे झूठ बोल रही हो। अम्मी, मैं आपसे कभी झूठ बोलती हूँ क्या? कभी आपसे कुछ छिपाया मैंने? मैं आपसे भला क्यों झूठ बोलने लगी? अपने उस कफन खसोट ससुराल वालों की करतूत पर पर्दा डालने के लिए, ताकि मुझे तकलीफ ना। मैं सब कुछ जानती हूँ शबनम, समीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उन लोगों ने पहले ही रात तेरा मेहर माफ करवा लिया। तेरा मियाँ भी अपने बाप की तरह कुछ नहीं करता, और जब तू कोई सलाह देती है तो वो तुझे तंग करता है, पिछली मंगनी का ताना देता है। आप खुद ही कहा करती थी ना, जो बीत गई उस पर मिट्टी डालो और आने वाले को शरागी करो। जो समीना ने कहा था वो सच था, पर अब सच नहीं है।